एक और जावा ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। अब लॉजिकल एंड क्या है कि हम एक इसकी मिसाल समझने के लिए एक इफ स्टेटमेंट की कमांड चलाएंगे और उसके अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले मैं एक करेक्टर वेरिएबल लूँगा 4, और उसमें फ़िलहाल मैं कुछ सेव नहीं रखता, और मैं स्कैनर एक ऑब्जेक्ट लूँगा, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन एस सिस्टम का कैपिटल, और इनको इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई, और ये मुझसे पूछ रहा है कि आप ये इंपोर्ट करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़र को एक मैसेज दे देता हूँ, एस आउट इंटर है करेक्टर। अब इस करेक्टर को जो यूज़र हमें कीबोर्ड से एंटर करके देगा उसको 4 में CH में सेव करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, 4 इक्वल्स एस सी डॉट नेक्स्ट, और इस नेक्स्ट के ऊपर मैं एक और फंक्शन कॉल करूँगा जो कि है 4@, जो कि हमें जिसमें हमें एक इंडेक्स देंगे, और इंडेक्स से क्या मुराद, इंडेक्स से मुराद है कि ये स्ट्रिंग की वैल्यू किस जगह पर पड़ी है। तो सबसे पहले अगर मैं एक इंटर का स्ट्रिंग देख लूँ तो इसमें जो सबसे पहला ई है वो 0 पर है, फिर एन है वो 1 पर है, और फिर 2, 3 और 4 इसी तरह। तो जो भी हमें यूज़र एक भले एक एक ही करेक्टर इंटर करे तो वो क्या होगा, वो हमारे पास सबसे पहला उसका जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा, और उसके बाद अगर ज़्यादा एक लाइन है तो उसमें 1, 2, 3 इसी तरह। लेकिन हमारे जो एस सी डॉट नेक्स्ट है वो हमें एक स्ट्रिंग देगा, और हम उस स्ट्रिंग के पहले करेक्टर को अपने सी एच में सेव करेंगे। अब मैं लॉजिकल एंड समझाने के लिए मैं लिखता हूँ इफ़। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लिखूँगा कि अगर ये जो सी एच हमारे पास करेक्टर है ये बड़ा है या बराबर है ए के, स्मॉल ए, और सी एच छोटा है या बराबर है स्मॉल जेड के, तो यूज़र को या जो प्रोग्राम रन कर रहा है उसको क्या बताओ, उसको बताओ कि स्मॉल लेटर्स में से आपने कोई भी एक सिलेक्शन की है, यानी कि आपने स्मॉल लेटर ई इंटर किया है। अब इस लॉजिकल एंड में क्या होता है, इस लॉजिकल एंड में ये इसका सिंटैक्स है, तरीका है 2n% साइन, और हम क्या लिखते हैं, हम एक सी एच हम कहते हैं कि अगर सी एच बड़ा है या बराबर है स्मॉल ए के, मतलब अगर सबसे पहला ये कंडीशन ट्रू है तब एंड क्या करेगा, एंड इस कंडीशन को भी चेक करेगा। अगर दोनों इसको सही मिल गए तो ये इस कंडीशन के अंदर इंटर हो जाएगा और अपना जो भी इसको काम है वो करेगा। तो हम इसको चलाते हैं इस प्रोग्राम को शिफ्ट F6 के ज़रिए, और जब मैं यहाँ पर एक करेक्टर दूंगा स्मॉल f और इसको मैं इंटर करूँगा तो हमने स्मॉल लेटर्स हमने इंटर किया हुआ है, तो इसने हमें एक मैसेज दे दिया। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ अगर सी एच बड़ा है ए से और छोटा है डी से तब ये प्रोग्राम रन करो, या इसके नीचे जो कंडीशन है उसको चलाओ। अब मैं इसको चला कर देखता हूँ, और मैं स्मॉल एक्स वेरिएबल दे देता हूँ, तो इसने हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की, क्योंकि एक्स सी एच जो हमारा एक्स है वो ए से तो बड़ा है लेकिन कंडीशन हम लोगों का फॉल्स हो गया, तो इसकी वजह से हमारी ये जो एंड लूप के एंड लॉजिक की वजह से इफ़ के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो रन नहीं हुई। तो इस तरह एक एंड ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन एंड काम करता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लॉजिकल और के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे।